अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी M11 का फुल रिव्यू करने वाला हूं। इससे पहले हमने जब इसकी अनबॉक्सिंग की थी तो ये 28,000 रुपीज़ की प्राइस में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी सैमसंग ने काफ़ी सारे डिवाइसेज की प्राइस रिड्यूस की है। बड़ा यहाँ पे प्राइस कट आया है, 3,000 रुपये इस पर भी कम हुआ है और इसकी प्राइस हो गई है 25,000 रुपीज़। तो अब काफ़ी बेहतर प्राइस हो गई है। 3GB रैम में 32GB रोम का वेरियंट, 25,000 रुपये की प्राइस के अंदर सैमसंग का वो भी डिवाइस, यानी ये ब्रांड वैल्यू भी है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, रिव्यू करेंगे और फिर चेक करेंगे कि डिवाइस क्या 25,000 रुपये में वैल्यू फॉर मनी है। पहले तो 28,000 रुपये में अनबॉक्स किया था, लेकिन अब 3,000 रुपये का वैसे ही ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है प्राइस। तो अब देखते हैं कैसी रहेगी डिवाइस 25,000 रुपये में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं रिव्यू गैलेक्सी M11 का और सबसे पहले बात करेंगे डिवाइस के डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की। प्राइस के बारे में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 3,000 रुपये का प्राइस कट हुआ है, 25,000 रुपये की हो गई अब ये डिवाइस। देखते हैं कैसी रहेगी डिवाइस। यहाँ पे 6.4 इंच का डिस्प्ले लगाया गया है जो कि HD+ है। यहाँ पे इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले नाम दिया है सैमसंग ने। एक स्मॉल होल पंच कैमरा मिल रहा है लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे TFT PLS TFT डिस्प्ले लगाया गया है। 720x1560 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है और ब्राइटनेस में देख लेता हूँ, यहाँ पे हमें ब्राइटनेस फुल की हुई है। कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। 268 PPI की पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। 81% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। बेजल्स ना होने के बराबर है, बहुत छोटे से बेजल्स हैं। चिन यहाँ पे नीचे छोटी सी है और नॉच के लिए काफ़ी अच्छा मिल रहा है क्योंकि होल पंच नॉच मिल रही है। 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो है और बैक साइड प्लास्टिक है, बिल्ड क्वालिटी यानी प्लास्टिक है इसकी। कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, 3 कलर्स में आई है डिवाइस, ब्लैक, ब्लू और ये वॉयलेट कलर है मेरे पास, पर्पल, इसको वॉयलेट नाम दिया है। और फ्रंट साइड पे प्रोडक्शन के लिए ग्लास लगाया गया है, लेकिन मेंशन नहीं है प्रोडक्शन की, यहाँ पे जनरेशन कौन सी यूज़ की गई है। तो ये है डिवाइस का डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी। जिसमें डिवाइस पसंद आ रही है इस प्राइस रेंज के अंदर, सैमसंग की बिल्ड क्वालिटी और सैमसंग के डिस्प्ले, ब्राइटनेस भी अच्छी है। तो अब चलते हैं कैमरास की बात कर लेते हैं। कैमरास के अंदर फ्रंट साइड पे 8 MP कैमरा मिल रहा है होल पंच के अंदर विद अपर्चर F2.0 और बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसके अंदर 13 MP का मेन कैमरा है विद अपर्चर F1.8, 5 MP का अल्ट्रा वाइड है विद अपर्चर F2.2 और 2 MP का डेप्थ सेंसर लगाया गया है विद अपर्चर F2.4। तो यहाँ पे मैक्रो कैमरा की कमी है और मैक्रो कैमरा का इतना ज़्यादा यूजेज भी नहीं होती। डेप्थ सेंसर, अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसके साथ यहाँ पे फिंगर फ्लैश भी मिल रहा है, LED फ्लैश लगाया गया है। कैमरा के कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं, फिर कुछ कैमरा के रिजल्ट के लिए कुछ पिक्चर्स भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम देखते हैं अल्ट्रा वाइड किस तरह का है। नॉर्मल मोड पे यहाँ पे देखें आप, ये नॉर्मल मोड है इसका और ये है इसका अल्ट्रा वाइड। काफ़ी बड़ा एरिया कैप्चर किया है अल्ट्रा वाइड में, आपने देखा है उसको। अच्छा, अल्ट्रा वाइड के अलावा मज़ीद देखते हैं क्या फीचर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। टाइमर है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास एस्पेक्ट रेशियो का, फ्लैश का ऑप्शन है। वीडियो में देखते हैं, वीडियो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हमें क्या मिल रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग का सेटिंग में जाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे 1080p में मिल रही है। फुल HD+ पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। और फोटो के बाद लाइव फोकस का ऑप्शन मिल रहा है। लाइव फोकस के अंदर आप बैकग्राउंड को ब्लर एडजस्ट कर सकते हैं लाइव पिक्चर खींचते वक्त। उसके अलावा प्रो मोड है, प्रो के अंदर सेटिंग को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, ISO को और WB को। इसके अलावा पैनोरामा का फंक्शन है। उसके अलावा मज़ीद देखते हैं कुछ सेटिंग हमारे पास मज़ीद हो फोटो के अलावा। फ़ोटो के अंदर यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हैं, अब ब्यूटी फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स मोड है और ब्यूटी मोड है, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये कुछ फीचर्स मिल रहे हैं। बाकी कैमरे की कुछ पिक्चर्स ही करता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कैमरा रिजल्ट कैसा है। मुझे इसके कैमरे के रिजल्ट पसंद आया है। अब देखते हैं डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी होगी। गैलेक्सी M11 में लगाई गई है स्नैपड्रैगन 450 की चिपसेट। पुरानी चिपसेट है लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर तकरीबन ज़्यादातर पहले ये डिवाइस के अंदर यही चिपसेट मिल रही थी हमें। 1.8 GHz का ऑक्टा कोर CPU है, GPU होगा Adreno 506 का और 3GB रैम विथ 32GB रोम का वेरिएंट है जिसको आप मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी मिल रहा है, यानी 3 कार्ड स्लॉट है। मेमोरी कार्ड लगा के आप ऑप्शन उसको बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी होगी। कुछ मैंने गेमिंग एप्लीकेशन भी डाउनलोड की हैं
ग्राफिक भी चेक करेंगे, परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे, सर्वर सर्फर खोलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितनी देर लगती है डिवाइस को एप्लीकेशन ऑन करने में, और ग्राफिक में कोई फ़र्क तो नहीं होता। कलर साउंड भी चेक कर लेंगे ना, यहाँ पे साउंड भी पता चल जाएगा कैसा साउंड है गैलेक्सी M11 का। अच्छा जल्दी एन हो गई है गेम, तो ज़रा टाइम नहीं लिया। कलर्स भी अच्छे लग रहे हैं, साउंड मैंने ऑन किया है। चले जी, ये हमने देख लिए है। सर्वर सर्फर के अलावा देखते हैं मेरे पास मज़ीद और क्या है। अच्छा कॉल ऑफ ड्यूटी भी है, पबजी भी है, लेकिन पहले हम गीक बेंच के स्कोर देख लेते हैं। गीक बेंच के मैंने स्कोर्स के चेक किए हैं गीक बेंच 5 की एप्लीकेशन से, तो स्कोर्स भी देख लेते हैं कि बेंचमार्क स्कोर क्या बताती हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सिंगल कोर स्कोर है 121 और मल्टी कोर स्कोर है 453। ये गीक बेंच स्कोर्स हैं, और स्कोर्स इतने खास ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि स्नैपड्रैगन 450 की चिपसेट है। देखते हैं कैसी रहेगी गेमिंग। मज़ीद टेम्पल रन 2 भी है, इसको भी चेक कर लेते हैं गेम कैसी चलती है, लोडिंग हो रही है गेम, स्टार्टिंग में कितना टाइम लेती है और कलर्स कैसे होते हैं। हैंगिंग तो नहीं मेरे ख्याल से आएगी, ये छोटी गेम्स हैं। बाकी पबजी भी चेक करेंगे अब पबजी में कैसी होती है। साउंड तो अच्छा है और कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। चलें जी, ये भी हो गया। मज़ीद देख लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे पबजी भी है, पबजी खोलते हैं और ग्राफिक वगैरह भी देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गेम प्ले भी करेंगे। गेम स्टार्ट हो गई है हमारे पास यहाँ पे, चलें गेम स्टार्ट करते हैं। गेम स्टार्ट हो रही है, फिर देखेंगे ग्राफिक कैसी होगी। अभी तक तो कलर्स अच्छे लग रहे हैं। इसमें GPU Adreno 506 का मिल रहा है। गेम स्टार्ट हो गई है, कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, और हैंगिंग तो नहीं मिल रही है अभी तक, देखते हैं। ग्राफिक में इसकी इतनी अच्छी उम्मीद नहीं कर रहा था, ग्राफिक काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी हम देख लेते हैं ग्राफिक यहाँ पे सेटिंग में जाके, ग्राफिक हमें क्या मिल रही है। स्मूथ पे हमें हाई फ्रेम रेट मिल रहा है, बैलेंस पे मीडियम फ्रेम रेट मिल रहा है, और HD पे नहीं जा रही डिवाइस। तो यहाँ पे स्मूथ पे चलाते हैं हाई फ्रेम रेट पे। स्मूथ पे हाई फ्रेम रेट हमने सेटिंग कर दी है, और फिर देखते हैं गेमिंग में कैसा रिजल्ट आता है। कलर्स तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं, बहुत अच्छे कलर्स हैं। तो ये थी कुछ ग्राफिक्स और गेम प्ले। इसके अंदर कलर्स काफ़ी अच्छे थे, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे कलर्स अच्छे लगे, ग्राफिक काफ़ी अच्छी थी। और इसके अलावा मज़ीद हमारे पास रह गई है बैटरी। यहाँ पे बैटरी है 5000 mAh की, बड़ी बैटरी मिल रही है, लेकिन फास्ट चार्जिंग भी है, ये अच्छी बात है। क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर ज़्यादा जो दूसरे ब्रांड्स हमें दे रहे होते हैं उसमें ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही होती। यहाँ पे 15W फास्ट चार्जिंग है, टाइप सी कनेक्टिविटी है, और डिवाइस आती है आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 10 पे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और वन UI 2.0 यहाँ पे मिलने वाला है, कस्टम UI है। फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड पे लगाया गया है, इसके अलावा फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मिल रही है। तो ओवरऑल डिवाइस तमाम फीचर्स के साथ आती है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर दूसरे ब्रांड भी दे रहे होते हैं, लेकिन सैमसंग की अपनी ब्रांड वैल्यू भी है, बिल्ड क्वालिटी भी है, डिस्प्ले सैमसंग के काफ़ी अच्छे होते हैं, परफॉर्मेंस हमने देखी काफ़ी अच्छी रही। बाकी से कंपैरिजन भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वाजे फ़र्क पता चलेगा कि परफॉर्मेंस में कैसा फ़र्क आता है दूसरी इस प्राइस रेंज के अंदर दूसरी डिवाइसेस के साथ, जब हम गेम प्ले करेंगे या एप्लीकेशन ऑन करने की स्पीड चेक करेंगे। अभी तक डिवाइस अच्छी लग रही है, आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 25,000 के अंदर सैमसंग गैलेक्सी M11 को आप बाय करना चाहते हैं या नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।